बताइए, ये आप लोग जो राशन देने का काम कर रहे हैं, ये कब से काम कर रहे हैं, और ये राशन देने के दौरान कितने लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं? ये काम हम लोग जनता कर्फ्यू के तीसरे दिन 24 मार्च से स्टार्ट किए, और यहाँ पे पूरे मीरा भाईंदर से लोग आ रहे हैं, मीरा रोड, भाईंदर, काशी मीरा, उत्तन, और उसके अलावा नायगांव, नाला सुपारा, वसई, मुमरा, गोवंडी, वहाँ बॉम्बे, वहाँ से भी हमें कॉल आए, तो हम लोग ने वहाँ जाके भी राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। ये राशन आप जो लोग इकट्ठा करते हैं, इसको कौन लोग मदद कर रहे हैं और किस तरह से वो लोग मदद करते आ रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने जब इनिशियल स्टार्ट किया तो ये हम लोग का जो पर्सनल ग्रुप है, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है समीरा शेख, दाराब सिद्दीकी, उसामा खान, फिर हमारे WRS कंपनी है जो हमारी कंस्ट्रक्शन, उसके शाह सैयद, वसीम सिद्दीकी, एक जहीर कुरैशी, ये हमारी सारी टीम है, ये हम लोग का सेल्फ फंडिंग था। इसके अलावा आप लोगों को अगर राशन कम पड़ जाता है या फंडिंग कम पड़ जाती है तो आप लोग क्या तरीका अपनाते हैं कि लोग आपके पास में आकर आपकी मदद करें, किस तरह से आप लोगों को अपील करते हैं, या लोग कुछ और भी लोग है, संस्थाएं जो आपके साथ में जुड़ी हुई है? हाँ, मिड अप्रैल से एक्चुअली एक रहमत ट्रस्ट करके है, रहमत ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, सलीम पटेल अंकल की वो, और इखलास एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, उबैद फ्रूट वाला, ये दोनों हमारे साथ अप्रैल से जुड़े हैं, और तब से लेके अभी तक वो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं, और उनके साथ जुड़ के हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या आप लोगों को कोई नया नगर के नेता से भी मदद मिल पा रही है, उन लोगों से मिलकर भी आप लोग काम कर रहे हैं, या वो लोग आपके पास में अप्रोच हुए थे? जी हाँ, हमारे पास से जो भी अभी तक राशन गया है, जितनी भी किट गई है, उसकी सारी लिस्ट हमारी तरफ से सैयद मुजफ्फर हुसैन सर के पास गई है, और उनकी तरफ से वो सारी लिस्ट को जो हमारे ट्रस्ट की थी, जो दूसरी ट्रस्ट की थी, उनको राशन पहुंचाया गया। कितने जो जो कीड़ी जो बन रहा है आपका, वो अप्रोक्सीमेटली उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है और उसकी एक अंदाजा कीमत कितनी रहती है? हम लोग एक्चुअली तीन टाइप की किट बना रहे हैं। एक जो हमारी बेसिक किट बनती है वो 800 से 900 रुपए की होती है, उसमें दाल, चावल, आटा, तेल, शक्कर, खजूर, चाय पत्ती और मसाले होते हैं, और मैक्सिमम जाता है उसका रेट 1600, उसमें क्वान्टिटी डिफरेंट होती है। आर्थिक रूप से भी आप लोगों को मदद मिलती है, कोई नकद आपको मदद करता है? एक्चुअली उसके लिए हम लोग अभी तक कहीं गए नहीं हेल्प लेने, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है हम लोग वो आपस में ही हेल्प कर रहे हैं, और वही लोग हमको हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि सारे लोग साथ में ही बैठे हैं, उसामा खान, दारा, जैसे मैंने बताया दाराब सिद्दीकी, शाह सैयद, वसीम सिद्दीकी, ये हमारे आपस के लोग ही हम लोग फिलहाल फंडिंग कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने किसी से मदद की अभी तक गुहार नहीं लगाई है कि आपको किसी तरह से आर्थिक मदद मिले या राशन के रूप में मदद मिले? हाँ, अभी तक फिलहाल हम लोग ने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं, क्योंकि इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आगे कुछ ऐसा होगा तो जैसे दूसरे दो ट्रस्ट हमसे जुड़े हैं तो और भी लोग से हम लोग हेल्प करने की गुजारिश करेंगे। जिस तरह से ये लॉकडाउन अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्या लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? ये बिल्कुल, ज़रूरतें तो बहुत बढ़ रही है, जो गरीब लोग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं वो तो बहुत तकलीफ में है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जो सारे ड्राइवर कैटेगरी, मजदूर कैटेगरी लोग हैं, और जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है। उनके पास ना खाने को जगह है, ना रहने को, आधे लोग दुकानों में रहते हैं, आधे लोग रेंट के घर पे, तो ना उनके पास रेंट देने के लिए पैसा है, ना दुकान का रेंट देने के लिए, तो खाने का पैसा कहाँ से लेंगे वो लोग? यही अपील करेंगे कि सर मदद करते रहे कंटिन्यू, जितनी ताकत है, और आसपास के अच्छे लोगों को जोड़ो जो मदद करते हो, तो उससे क्या है, हाथ से हाथ जुड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो मदद करने का टाइम बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक इंसान कंटिन्यू इतना सब नहीं कर सकता जब तक दूसरे लोगों की उसको हेल्प ना मिले। आप